हमारी अगली पॉजिटिव खबर है जो देश के बुजुर्गों के जीवन में आशा भर देगी, बुजुर्गों के प्रति समाज के नजरिए को बदल देगी। 91 की उम्र में समाज को स्वस्थ करती एक महिला की बेहद ही इंस्पायरिंग, जी हां, प्रेरणादायक कहानी। नाम भक्ति यादव, उम्र 91 वर्ष, पेशा स्त्री रोग विशेषज्ञ। अरे चेहरे पर झुर्रियां, कांपते हुए हाथ, बैठने उठने में दिक्कत, लेकिन हौसला ऐसा जिसे देखकर हर कोई उन्हें सलाम करेगा। डॉक्टर भक्ति यादव अपनी आखिरी सांसों तक इलाज करना चाहती हैं। यही कारण है कि आज भी वो रोज अपने क्लिनिक में मरीजों को देखती हैं। कोई मेरी उम्र पूछता है तो मैं कहती हूँ कि उम्र और ये नहीं पूछना, पगार कितना है। मजाक की आदत है ना सब दूर। भक्ति यादव इंदौर की पहली महिला MBBS डॉक्टर है। 1948 से डॉक्टर भक्ति मरीजों का इलाज कर रही हैं। पूरे मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों की महिलाएं डॉक्टर भक्ति से इलाज करवाने के लिए आती हैं। डॉक्टर भक्ति यादव इलाज के लिए आई महिलाओं की नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करती हैं। 68 साल के करियर के दौरान डॉक्टर भक्ति यादव ने हजारों महिलाओं की डिलीवरी करवाई। मरीजों से डॉक्टर भक्ति यादव कोई फीस नहीं लेती है। ज्यादा उम्र होने के कारण डॉक्टर भक्ति मरीजों को बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाती, लेकिन उनकी सलाह भी कम कीमती नहीं है। 2016 पेशेंट भले नहीं देखूं, मुझे खड़े रह के या उठ के बैठ के उठ बैठ ना करूं, लेकिन मेरे मौखिक एडवाइस इतना हर एज ग्रुप के लिए इतना अच्छा रहता है, ऐसा मैं अब कह सकती हूँ। वो अभिमान के बतौर नहीं समझना किसी ने, वो इसके लिए कि किसी को उसका फायदा हो जाए। आज की डॉक्टर से भक्ति यादव को शिकायत है। शिकायत ये कि आज के डॉक्टर दिल से मरीजों का इलाज नहीं करते, पेशेंट से कांटेक्ट ही नहीं रखते। वैसे जाके देखते हैं कैसी तबीयत है, वो तो सब है, लेकिन उससे को इससे रिलेशन है, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं कि मुझे यहाँ से बहुत कम लोगों का मैंने देखा है। मरीजों के लिए डॉक्टर भक्ति का ये जज्बा एक वरदान है। यही वजह है कि इस उम्र में भी मरीज डॉक्टर भक्ति से इलाज करवाने के लिए इंदौर पहुंचते हैं। शरद व्यास, जी मीडिया, इंदौर। आप कह सकते हैं 91 साल की बूढ़ी या फिर 91 साल की जवान।